हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको सूजी का उपमा सिखा रही हूँ, जो ब्रेकफास्ट के लिए, इवनिंग स्नैक के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है और बहुत पसंद आता है बच्चों को भी। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आइए मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने चना दाल लिया है 1 चम्मच, आप देख सकते हैं इस टाइप की चना दाल है ये। राई है 1 चम्मच, सॉल्ट टू टेस्ट है। ये बीन्स हैं, बीन्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये इस टाइप की बीन्स आती हैं, फ्रेंच बीन्स, जिनको धो लिया है, सुखा लिया है और फिर मैं इनके साइड्स को कट कर लूंगी ऐसे और फिर इस टाइप से इसको बारीक बारीक काट लेंगे। ये उपमा में बहुत टेस्टी लगती है। अगर बीन्स नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्जी है। ये थोड़ा सा, हाफ से भी हाफ मैंने गाजर कट कस लिया है, गाजर ली है, क्योंकि मीठा लगता है अगर ज्यादा गाजर डालते हैं तो, पर बच्चों के खाने के लिए बहुत अच्छी है। सूजी है 100 ग्राम्स के करीब है, एक बाउल लिया है मैंने जो छोटा है बहुत। और ये प्याज काटी है, एक बड़ा प्याज काट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया है, ऑयल है। आप इसमें करी लीव्स डाल सकते हैं, करी पत्ता लीव्स, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको इससे सिखा रही हूँ। मैं एक बाउल में मेजरमेंट से पानी लूंगी। ये देखिए, जो बाउल मैंने सूजी के लिए लिया है, आप देख सकते हैं ये बाउल मैंने सूजी के लिए लिया है ऐसे, इसी लेवल का मैं 3 के करीब पानी इसमें मेजरमेंट करके लूंगी, 3 बाउल पानी। ये देखिए, और थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, इतना पानी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गैस को ऑन कर लिया है और पैन हल्का सा गर्म हो गया है। इसमें मैं सूखा सूजी को रोस्ट करूंगी, हल्का रोस्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, खुशबू आने लगेगी, उसके बाद हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे। इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि ये जल सकती है, तो पहले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तेज फ्लेम पे और फिर स्लो पे आपको धीरे धीरे ऐसे चलाते हुए सूजी को भूनना है। अब देखिए इसमें खुशबू आने लगी है, इसको थोड़ा फास्ट चलाना होगा अदरवाइज ब्राउन हो जाएगी। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। ये पैन इतना गर्म होता है कि उसमें भी ऑफ करने के बाद भी ये भूनता रहता है। इसको हम एक दूसरे बर्तन में अब खाली कर लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे पैन में। वन टीस्पून राई डालेंगे। उसके बाद प्याज डालेंगे। और इसको भूनने देंगे। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है। इसमें हम बीन्स डाल देंगे। साथ ही में गाजर डाल देंगे। इसमें मैंने ग्रीन चिली भी काटी हुई है आधी, वो आपके टेस्ट पे निर्भर है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो आप बिना चिली के भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। इसमें मैं मसाला कोई नहीं डालती हूँ, ये बड़ा प्लेन उपमा बनता है, वेजिटेबल उपमा है ये। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और इसमें हम ये पानी जो हमने मेजरमेंट करके रखा है, नाप के लिया है, वो डाल देंगे। ये देखिए ऐसे हम नाप के इसमें पानी डाल देंगे और इसको बॉईल आने तक पकाएंगे। जब बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें रखेंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जो सूजी हम लेंगे वो थोड़ी सी मोटे वाली सूजी लेंगे, थोड़ी सी मोटी सूजी होनी चाहिए, ये बारीक सूजी उपमा के लिए नहीं चलता, ये पतला सूजी नहीं हो, मोटा सूजी चाहिए। इसको बॉईल आने देते हैं। ये आप देख सकते हैं चने की दाल को मैंने 10-15 मिनट्स पहले सोक करके रखा था गर्म पानी में, ये सॉफ्ट हो गई है, 1 टीस्पून है।
इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए उबाल आ गया है इसमें। अब जब हम सूजी डालेंगे तो ऐसे ऊपर से डालेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें गांठें ना पड़े। ये देखिए ऐसे आप लगातार इसको चलाते रहिए ताकि इसके अंदर लम्स ना आए। ये देखिए कितना कलरफुल सुंदर उपमा बन रहा है। न्यूट्रिटिव है, जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है उपमा, कढ़ाई छोड़ने लगा है। थोड़ी देर और हम इसको पकाएंगे। बहुत यम्मी लग रहा है। नाप के पानी डालेंगे तो बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना पतला बनेगा ना गाढ़ा बनेगा, एक सा बनेगा। जो भी बाउल आप सूजी का लेते हैं वही बाउल आप पानी का नाप के लिए लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं इसको गैस को सिम कर दूंगी और 2-3 मिनट्स के लिए मैं इसको ढक दूंगी। ये देखिए कितना खिला हुआ उपमा बना है। ये देखिए, आइए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। और मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि आप जब सूजी भूनते हैं तो उसको आप चेक कर देख सकते हैं कि वो क्रिस्पी हो गई है क्या, कच्ची तो नहीं है। और उसके बाद जब आप पानी डालते हैं और सूजी डालते हैं तो हल्का सा तभी चेक कर देख लीजिए कि नमक कम ज्यादा है क्या, अदरवाइज उसी वक्त नमक मिल जाता है। इसे ऐसे बनने के बाद नमक मिलना मुश्किल है। तो आइए प्लेटिंग करते हैं। वाओ लवली, ये देखिए कितने अच्छे से खिला खिला उपमा बना है। वेरी यम्मी, वेरी टेस्टी। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपका नहीं है, खिला हुआ उपमा है। ये 2-3 मिनट ढक देने से ऐसा हो जाता है। इसको आप चाहें तो धनिया डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा रखा है गार्निश करने के लिए। अदरवाइज ये करी पत्ता लीव्स से इसकी खुशबू ज्यादा अच्छी आती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।